Now next C program again, check the given number is prime or not. What do you mean by prime number? First of all, we are discussing about what is the basic meaning of prime numbers. Next one, how to creating its logics, then writing source code. Same steps, first one. Means agar normally basically dekha jaye kisi bhi number ko 1 se divide karna possible hota, means any number can be divided by 1 or number itself, means koi bhi number 1 se divide karna possible hota aur number itself se by default divide karna possible. Lekin iske alawa agar kisi bhi other third number se agar koi bhi number divide karna possible, then number considered not a prime number, otherwise number is a prime. First one, any numbers like a 5, 10, anything. 5 को अगर आप 5 से divide करोगे, remainder क्या आएगा इस केस में? 0. Same as 5 को, sorry, 5 को 1 से divide करने पर remainder क्या है? 0. Same as 5 को 5 से divide करने पर भी remainder क्या आएगा? 0. क्योंकि कोई भी number, number itself always divide करना possible. Division बनाएगा, लेकिन remainder क्या आएगा? 0. कोई भी number perfectly divide हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस केस में remainder क्या मिलता? Always 0. Any number divided, after divided, अगर remainder 0 प्रोड्यूस करता है, नंबर कैसा कंसीडर होगा? नंबर इज परफेक्टली डिवाइडेड बाय सच नंबर्स. सेम एज 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करना पॉसिबल है, लाइक 8. 8 को 1 से डिवाइड करोगे, डिवाइड कितनी बार होगा? 8 टाइम्स. रिमाइंडर क्या आएगा? 0. 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन कितनी बार होगा? 1 टाइम्स, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा? 0. मींस फाइनली एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ. नंबर को नंबर से डिवाइड करने पर भी ऑलवेज रिमाइंडर क्या मिलेगा? आल्सो 0. अगर इसके अलावा किसी भी अदर नंबर से नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है एक्सेप्टिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नोन एज प्राइम नंबर. एनी नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली बाय 1 और नंबर इटसेल्फ, नोन एज प्राइम. अदरवाइज नंबर बिकम्स नॉन प्राइम. मींस इसके अलावा अगर किसी भी थर्ड नंबर से नंबर्स को गिवन नंबर्स को डिवाइड करना पॉसिबल, देन नंबर कंसीडर होगा ऑलवेज प्राइम नंबर. फाइन, इन दैट केस वन थिंग क्लियर, नंबर 1 से 100% डिवाइड हो रहा है, नंबर नंबर इटसेल्फ 100% डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में नंबर को नंबर से डिवाइड करके या 1 से डिवाइड करके चेक करने नीड नहीं. जब भी किसी नंबर को चेक करना, नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, इस केस में डिवाइड किससे करेंगे? मींस अगर बेसिकली देखा जाए 1 2 3 4 5 अप टू समथिंग नंबर इटसेल्फ, और दिस वन इज सम रेंज, नंबर डिवाइडेड बाय 2, नंबर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 एंड अप टू नंबर. फर्स्ट वन, कोई भी नंबर है, नंबर को 1 से डिवाइड करने की नीड नहीं है, नंबर को नंबर से डिवाइड करने की नीड नहीं. बेसिक रूल है, नंबर कभी भी हाफ से बड़े नंबर से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं. तो इस नंबर को जब भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे कराएंगे? फर्स्ट वन, चेक करना टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, एनी नंबर एन. इस केस में इस नंबर को फर्स्ट टाइम किससे डिवाइड करके चेक करेंगे? इफ नंबर मॉड्यूलो वाई 2. 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 1 से नंबर बेसिकली डिवाइड हो रहा, फिर टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है. इस केस में फर्स्ट टाइम किससे टेस्ट कराओगे? 2 से. अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, देन नंबर कैसा? नॉन प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम. अदरवाइज अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर प्राइम है. अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, देन नेक्स्ट टाइम टेस्ट किससे करोगे? 3 से. हो सकता है नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा हो, लाइक अ 9. 9 की बात करें, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से डिवाइड होता है, देन नंबर 9 कैसा है? नॉट प्राइम. सेम है, नेक्स्ट टाइम किससे डिवाइड करेंगे? नंबर मॉड्यूलो बाय 3 इक्वल 0. अगर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, देन अगेन नंबर इज नॉट प्राइम. अगर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, देन टेस्ट किससे करेंगे? 4 से. नंबर मॉड्यूलो बाय 4 इक्वल 0. अगर डिवाइड हो रहा, देन नॉट प्राइम, अदरवाइज टेस्ट किससे करेंगे? नेक्स्ट नंबर. इस टाइप से टेस्टिंग कब तक करेंगे? जब तक हाफ नंबर से डिवाइड नहीं कर लेते. नेक्स्ट टाइम इज फाइनली डिवाइड किससे कराएंगे? इट्स हाफ, अप टू हाफ. इस फाइनली लास्ट डिवीजन क्या करते हैं, चेक करने की जरूरत है इस केस में? अप टू नंबर मॉड्यूलो वाई, या नंबर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलो वाई, नंबर डिवाइडेड बाय 2, मींस इट्स हाफ. अगर इसे मींस हाफ से डिवाइड हो रहा, देन अगेन रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0. इसके अलावा किसी भी नेक्स्ट नंबर से टेस्ट करनी नहीं, मींस फाइनली कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं. इस नंबर को कहां से डिवाइड करना स्टार्ट करना? फ्रॉम 2. 2 से लेकर कब तक? अप टू एन वाई 2. फाइनली इस केस में अगेन रिक्वायर्ड किया सम लूप्स. फर्स्ट टाइम कहाँ से स्टार्ट करना? 2 से. नेक्स्ट टाइम 3 से, 4 से, 5 से, अप टू
एन वाई टू एर एन इज अ गिवेन नंबर्स मीन्स इस रेंज के लिए आपको लूप मैनेज करना, लूप के थ्रू डिवीजन परफॉर्म करना है। ऑलरेडी आपको आप श्योर हो सारे वैल्यू लूप के अंदर मैनेज किस पर होंगे, इटरेटिव वेरिएबल आई, इसलिए एवरी टाइम इंडिविजुअली टू थ्री फोर या फाइव से डिवाइड ना करें इसको, एवरी टाइम डिवाइड किससे करेंगे, नंबर मॉड्यूलो बाई आई इक्वल इक्वल जीरो। इफ दिस रिलेशन इज ट्रू, इसके साथ पॉसिबल केस क्या होंगे, या तो ये रिलेशन कैसा होगा ट्रू, अगर ये रिलेशन ट्रू है देन नंबर कैसा, नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम। दूसरा केस क्या है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर प्राइम है, फॉल्स है देन इस केस में टेस्ट क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, नेक्स्ट नंबर से। अगर आई के किसी भी वैल्यू के लिए नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है देन आप क्या बोलोगे, इस केस में नंबर इज प्राइम, दिस इज द गिवन कंडीशन। तो अगेन इस केस में मीन्स फाइनली आई वैल्यू जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम लूप, हाउ मैनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एवो प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड वेरिएबल्स क्या, नंबर और इटरेटिव वेरिएबल आई प्लस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ इंटीजर आई कॉमा एन कॉमा समथिंग एफ, एफ मीन सम फ्लैग वैल्यू, इनिशियली मैं फ्लैग वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ एज अ वन, जब तक फ्लैग का वैल्यू वन है देन नंबर कंसीडर होगा एज अ प्राइम, जैसे ही फ्लैग में जीरो साइन हो जाएगा इस केस में नंबर कंसीडर होगा एज अ नॉन प्राइम, प्लस जीरो का वो साइन करना होगा इस केस में, जैसे ही नंबर आई के किसी भी वैल्यू से डिवाइड हुआ उसके इसमें लूप को टर्मिनेट करेंगे प्लस फ्लैग का वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे बाई वन। चेक इट, रीडिंग इनपुट्स, नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स, पुट्स एंटर नंबर यूजिंग स्कैनएफ, एंटर नंबर, नेक्स्ट वन लूप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आई, लूप का स्टार्टिंग कहां से कराना, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू, टू नॉट अ वन, आई इक्वल्स टू टू, कंडीशन कंडीशन क्या है इसके, इसमें आई लेस देन इक्वल्स टू एन वाई टू, वेरिएबल क्या है इसके, इसमें एन, कब तक चलाना, अप टू एन वाई टू, देन एवरी टाइम डिफरेंस कितने का जनरेट हो रहा है सीरीज को मैनेज करने के लिए, वन का, इसलिए आई प्लस प्लस परफॉर्म कराएंगे। देन नेक्स्ट वन, इसके इसमें एवरी टाइम आई के जितने भी वैल्यू जनरेट होंगे ना, आई जनरेटेड मीन्स आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या, टू, इसलिए नंबर एन डिवाइड किससे हुआ, फर्स्ट टाइम डिवीजन किससे परफॉर्म हो रहा, टू से, नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू थ्री हो जाएगा इसलिए डिवाइड किससे हुआ, थ्री से, प्लस किसी भी केस में अगर रिमाइंडर जीरो मिला था नंबर कैसा हुआ, मीन्स परफेक्टली डिवाइडेड बाई आई, और आई से अगर डिवाइड हो रहा है मतलब क्या, नंबर वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड होने के चांसेस हैं, इसलिए परफॉर्म क्या कराएंगे, मीन्स और इस केस में मीन्स पर्टिकुलर गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं, इसका एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कहाँ करना है, आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स इस प्लेस पर आप डिसाइड करो बेस्ड ऑन सम इफ कंडीशंस, इफ कंडीशन के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, अगर कंडीशन ट्रू है देन डिस्प्ले कराएंगे इस प्लेस पर आ जाए प्रिंट एफ यस नंबर इज प्राइम, अदरवाइज अगर इफ कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने पर डिस्प्ले क्या कराएंगे, प्रिंट एफ नो नंबर इज नॉट प्राइम, लाइक दैट, इस तरह से एक्नॉलेजमेंट वैल्यू डिस्प्ले करा लें क्लोजिंग द मेन फंक्शंस। अब क्वेश्चन है कि इस प्लेस पर इफ कंडीशन क्या होना चाहिए जिससे फाइंड आउट करना पॉसिबल हो, अगर एफ का इनिशियल वैल्यू वन है इस प्लेस पर भी वन है देन इसका मतलब क्या है, नंबर इज प्राइम, वन मीन्स ट्रू, नेक्स्ट वन, लेकिन जैसे ही कंट्रोल इफ के अंदर आया इसका मतलब क्या है, नंबर किसी अदर वैल्यू से भी डिवाइड हो रहा है इसलिए इमीडिएटली फ्लैग वैल्यू एफ को इनिशियलाइज किससे करा देंगे, जीरो से, जीरो मीन्स टर्न टू ऑफ और कंडीशन बिकम फॉल्स, मीन्स इस प्लेस पर फाइनली इफ में क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्लैग वैल्यू, तो फ्लैग के प्लेस पर पास क्या हुआ, आइदर वन और जीरो, अगर कंट्रोल ए की भी बार इफ कंडीशन के अंदर आया देन इसका मतलब क्या, एफ का वैल्यू क्या साइन हो चुका है, एज ए जीरो, अगर एफ जीरो हो चुका है इसका मतलब नंबर आई के किसी थर्ड वैल्यू से डिवाइड हो रहा है इसलिए परफॉर्म क्या हुआ, जीरो मीन्स फॉल्स, फॉल्स है देन प्रिंट किया जाए नो, अदरवाइज अगर इस इफ कंडीशन के केस में बात करें, अगर ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एफ का इनिशियल वैल्यू का फाउंड होगा वन, वन मीन्स ट्रू, डिस्प्ले किया जाए यस, उसके अलावा अगर आई वैल्यू डिवाइड होने के बाद आगे लूप चेक करने नीड ही नहीं इसलिए यूज करें ब्रेक दिस लूप बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, दिस इज द लॉजिक्स फॉर टेस्टिंग चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। फॉर एग्जांपल्स लेट्स सी, इटरेट दिस प्रोग्राम,
suppose the first time number variable guess case mein kitne variables create hua total 3 variables n f or I first time suppose that we are entering 11 11 ke case mein aap already sure 11 is not a prime number sorry 11 is a perfectly prime number plus f ka initial value kya 1 this case mein expected output kya 11 ke according yes next time test karenge 9 ke liye like that is tarah se two cases mein test karunga pehle 11 ke liye test karao next time 9 ke liye test kare first one जैसे इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मैं डायरेक्टली लूप से स्टार्ट कर रहा हूं अज्यूम करो इस केस में नंबर का वैल्यू एंटर किया करंटली 11 नेक्स्ट वन आई इक्वल्स टू 2 फर्स्ट वन सेकंड केस क्या है कंडीशन टेस्टिंग जब इस केस में कंडीशन टेस्ट करें तो कंडीशन में क्या फाउंड हो रहा है I less than equals to n y 2 n का वैल्यू 11 है 11 को 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर डिवीजन क्या आएगा 5 I का initialization किस हो चुका already 2 से second case condition testing I value is 2 less than equals to 5 condition is true condition true then control send हुआ inside body of condition body of loop again if condition test करें तो if के case में n का value क्या put करेंगे put down as 11 I value as 2 equal equal 0 11 को 2 से divide करने पर remainder क्या आएगा 1 remainder is 1 1 equal equal 0 condition false false then control loop ke baar send hua outside loop next one third ka fourth case kya I plus plus I becomes 3 next one again condition testing I less than I ka value 3 found hua 3 less than equals to n y 2 means 11 y 2 again 5 condition is true true hai fir se if condition test hua sixth If के केस में n का वैल्यू किससे डिवाइड हुआ 11 इज डिवाइडेड बाय 3 11 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या जनरेट हो रहा है 2 रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में 2 2 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन इज अगेन फॉल्स फॉल्स है देन अगेन कंट्रोल सेंड होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप देन i प्लस प्लस i बिकम्स 4 i का वैल्यू 4 होने के केस में अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे एज अ 8th केस कंडीशन टेस्ट हो तो i वैल्यू क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज ट्रू फिर से परफॉर्म क्या हुआ इफ कंडीशन टेस्टिंग कंट्रोल का इनसाइड बॉडी ऑफ लूप n वैल्यू इज 11 11 मॉड्यूलो बाय 4 बिकॉज़ i वैल्यू क्या फाउंड हो रहा 4 फर्स्ट टाइम किससे डिवाइड किया था 2 से नेक्स्ट टाइम 3 से नेक्स्ट टाइम 4 से 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा इसका 3 रिमाइंडर इज 3 3 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन अगेन फॉल्स False then control constant हुआ outside body of loop then I plus plus tenth case I plus plus होगा तो इस केस में I value क्या हो जाएगा 5 then 5 modulo by I plus plus then condition testing condition में put करेंगे 5 less than equals to 5 condition again true true then if condition if के केस में क्या found हो रहा है इस केस में n value is 11 and I value is 5 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा इसका 1 रिमाइंडर इज 1 1 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन अगेन फॉल्स फॉल्स है देन बाहर आओगे देन परफॉर्म क्या कराओगे अगेन I प्लस प्लस एज अ 13 केस I प्लस प्लस होगा तो I वैल्यू क्या हो जाएगा 6 ऑलरेडी शोन है अगर 11 नंबर एंटर्ड नंबर क्या है 11 11 का हाफ नंबर के इंटीजर्स के फॉर्म में 5 मींस 5 से बड़े नंबर से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं इसलिए कंडीशन क्या राइट किया था इस प्लेस पर n y 2 नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट होगा 14th केस में n वैल्यू 6 n y 2 इज 5 कंडीशन बिकम फॉल्स फॉल्स है देन बाहर आएंगे बाहर आने पर f के अंदर सप्लाई क्या होगा इस प्लेस पर f के प्लेस पर f का वैल्यू 1 फाउंड हो रहा 1 मींस कंडीशन इज फॉल्स सॉरी कंडीशन इज ट्रू ट्रू है देन डिस्प्ले किया जाए यस नंबर इज प्राइम बिकॉज़ 11 का 11 इज अ प्राइम नंबर नेक्स्ट टाइम वन मोर टाइम सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस केस में अज्यूम कर रहा हूं एंटर्ड वैल्यू ऑफ n इज 9 एज यू नो 9 इज अ 9 इज नॉट प्राइम नंबर अगर इस प्लेस पर 9 एंटर किया है 9 is not a prime number. F का value again initial value क्या है? 1. First one initialization होने पर I का value क्या हो जाएगा? Again 2.
देन कंडीशन टेस्टिंग I लेस देन इक्वल्स टू एन बाई टू, एन इज 9, 9 को 5 से डिवाइड करने पर 9 को डिवाइड किससे करें, 2 से, डिवीजन क्या आएगा, इंटीरियर डिवीजन इज 4. फर्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट करेंगे, I वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन इफ कंडीशन टेस्ट होगा एज अ थर्ड केस. इफ कंडीशन टेस्ट करें, इफ कंडीशन क्या है, n मॉड्यूलो I इक्वल इक्वल 0, n वैल्यू क्या है 9, I वैल्यू क्या है 2, रिमाइंडर इज 1, इक्वल इक्वल 0, कंडीशन इज फॉल्स. इफ कंडीशन फॉल्स है देन डिवाइड किससे होगा, नेक्स्ट टाइम कंट्रोल कांस्टेंट होगा I प्लस प्लस, फोर्थ केस I प्लस प्लस होने पर I वैल्यू क्या हो जाएगा 3, I वैल्यू 3 होने से अगेन कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन मीन्स 4 कंडीशंस, 4 के केस में क्या है, आई वैल्यू इज 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, ट्रू है देन अगेन परफॉर्म क्या होगा 6th केस में, इफ कंडीशन टेस्टिंग, इफ के केस में एन का वैल्यू क्या है 9 मॉड्यूलो आई, आई वैल्यू इज 3 इक्वल इक्वल 0, 9 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन बिकम्स ट्रू. मीन्स इस केस में इफ कंडीशन कैसा है ट्रू, ट्रू है तो इस केस में 6, 7 केस में चांस किसको मिलेगा, एफ इक्वल्स टू 0, नाउ एफ बिकम्स 0, 0 इस बात का एक्नॉलेजमेंट है नंबर कैसा है, नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड हुआ अदर देन 1 एंड नंबर इट सेल्फ, अदर नंबर से डिवाइड हुआ इसलिए आप कंसीडर कर सकते हैं नंबर इज नॉट अ प्राइम, देयरफॉर वी आर इनिशियलाइजिंग एफ एज अ 0. नेक्स्ट टाइम 8th केस, एफ इक्वल्स टू 0 आज चांस किसको मिलेगा, ब्रेक, और ब्रेक से कंट्रोल कांस्टेंट होता है आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, इस 9th केस लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा, एफ के प्लेस पर क्या सप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ एफ, करेंटली एफ वैल्यू क्या है 0, 0 मीन्स कंडीशन बिकम्स फॉल्स, फॉल्स है देन 9th केस, 10th केस में चांस किसको मिलेगा, प्रिंट एफ, इस केस में आउटपुट क्या आएगा नो, इस नो नंबर इज नॉट अ प्राइम. इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट केसेस टेस्ट करना पॉसिबल, नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे. डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर फॉर अ गिवन रेंज, मीन से प्राइम नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लॉजिक एग्जैक्टली सेम यूज करेंगे, प्लस इस प्लेस पर लूप का पुट डाउन करोगे, इनसाइड आउटर लूप, आउटर लूप चलाएंगे फ्रॉम ए टू बी फॉर अ गिवन रेंज.